मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद चार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अश्लेषा नक्षत्र वाले जातक के स्वभाव के बारे में बात करेंगे। अश्लेषा नक्षत्र के स्त्री और पुरुष के किस किस प्रकार के स्वभाव होते हैं तथा अश्लेषा नक्षत्र के वर्गीकरण को आज हम समझेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्र माने गए हैं और यह 27 नक्षत्र आकाश मंडल में विद्यमान 88 तारा मंडल से लिए गए अलग अलग ताराओं के समूह हैं, जिसे पूर्व के आचार्य ऋषि महर्षि ने एक आकृति से इमेजिन किया और उस चीज को हम नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र का बहुत ही गहन प्रभाव है किसी भी जातक के ऊपर, भूलोक के ऊपर, और ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र को गणित ज्योतिष से लेकर फलित ज्योतिष में होरा, सिद्धांत, संहिता आदि, प्रश्न शास्त्र, मुहूर्त शास्त्र, सभी चीज़ों में नक्षत्रों का बहुत ही यूजफुल स्थान है, बहुत ही अहम स्थान है। जब पूरे आकाशमंडल को 360 डिग्री के प्लेटफॉर्म में समझा जाए और उसे 12 भाग में विभाजित किया जाए तो एक भाग उसका एक राशि होता है, अर्थात कि एक राशि 30 डिग्री की होती है और एक नक्षत्र का मान 13.25 डिग्री होता है। उस आधार पर एक राशि में कुल 2.25 नक्षत्र होते हैं, 2.25 नक्षत्र एक राशि में होते हैं, और यही कारण है कि सेम राशि वाले दो जातक अलग अलग प्रकार से सोच सकते हैं, उनकी अलग अलग विचारधारा हो सकती है, क्योंकि एक ही राशि में 3 नक्षत्र हैं, अर्थात कि एक राशि वाले जातक 3 प्रकार से सोच सकते हैं। और जब उसमें भी बहुत माइन्यूट स्टडी किया जाए तो एक नक्षत्र का 4 पद होता है और चारों पद में व्यक्ति अलग अलग प्रकार का विचारधारा रखने वाला होता है। तो इतने डीप में हम आज बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ नक्षत्र के वर्गीकरण तथा नक्षत्र के स्वभाव किस प्रकार के होते हैं, अर्थात कि आपका इन ऑल स्वभाव किस प्रकार का होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते करते अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। अश्लेषा नक्षत्र के वर्गीकरण के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में अश्लेषा नक्षत्र को चक्र आकृति से दर्शाया गया है। कोई भी ऐसी वस्तु जो चक्र के समान दिखता है वह अश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक है। अश्लेषा नक्षत्र के अधिपति देवता सर्प देवता हैं तथा अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध ग्रह माने गए हैं। अश्लेषा नक्षत्र में कुल 5 ताराएं होती हैं और यह एक तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र है। नक्षत्रों का यह वर्गीकरण नक्षत्र के स्वभाव के ऊपर आधारित है। नक्षत्र वर्गीकरण के ऊपर हमने बहुत ही डीप एनालिसिस के साथ वीडियो बनाया है, प्रत्येक वर्गीकरण के ऊपर एक इंडिविजुअलाइज्ड वीडियो है, उसको आप अवश्य देखें, हमारे प्लेलिस्ट में चेकआउट करें। नक्षत्र के 6 प्रकार के स्वभाव होते हैं, उसमें तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र होता है। यह एक राक्षस गण का नक्षत्र होता है तथा अश्लेषा नक्षत्र की योनि मार्जार योनि होती है, मार्जार अर्थात बिल्ली। अश्लेषा नक्षत्र एक अंत्य नाड़ी का नक्षत्र है तथा अश्लेषा नक्षत्र का लिंग स्त्रीलिंग माना गया है, यह एक स्त्रीलिंग संज्ञक नक्षत्र है। आकाश मंडल में अश्लेषा नक्षत्र दक्षिण दिशा की ओर उदित होता है। कर्क राशि वाले जातक अश्लेषा नक्षत्र के हो सकते हैं, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि के 16.40 डिग्री से 30 डिग्री तक अश्लेषा नक्षत्र का आधिपत्य होता है। यदि आपके जन्म के समय आपकी कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में है और कर्क राशि में वह 16.4 डिग्री से 30 डिग्री तक है तो आप अश्लेषा नक्षत्र के जातक हैं। और यदि आप अश्लेषा नक्षत्र के जातक हैं तो आइए हम बात करते हैं आपके किस प्रकार के स्वभाव होंगे, आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे। यहाँ पर हम अश्लेषा नक्षत्र के पुरुष और स्त्री दोनों के अलग अलग स्वभाव के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जब हम ज्योतिष शास्त्र के पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उसमें स्त्री जातक अध्याय एक अलग से चैप्टर होता है जो जातक ग्रंथ में देखा जा सकता है। और उसका रीज़न यह है कि स्त्रियों के लिए नक्षत्र, ग्रह, राशि आदि कुछ डिफरेंट प्रकार से काम करते हैं, क्योंकि स्त्री का एक मूल स्वभाव है स्त्रीत्व, और ज्योतिष शास्त्र में कुछ ग्रह पुरुष ग्रह हैं, कुछ ग्रह स्त्री ग्रह हैं, उस आधार पर फलादेश में कुछ चेंजेस आते हैं स्त्री के लिए और पुरुष के लिए। यदि आप अश्लेषा नक्षत्र के पुरुष हैं तो ऐसे जातक का विपरीत योनि की ओर बहुत अधिक झुकाव होता है। स्वभाव से ऐसे जातक विनोदी स्वभाव के होते हैं, हंसी मजाक करने वाले, हंसी मजाक को पसंद करने वाले,
तथा इनके अंदर एक बहुत ही अलग प्रकार का क्वालिटी होता है कि ऐसे जातक छल और धोखे से अपने स्वार्थ को सिद्ध कर सकते हैं। इनके अंदर वो इनबॉर्न क्वालिटी है। कई बार ऐसे जातक अपराध ही प्रवृत्ति के कारण अनायास ही कष्ट उठाते हैं। ऐसे जातक को खान पान का विशेष रुचि होता है, खान पान की ओर सदैव अट्रैक्टेड रहते हैं और जिस कारण शरीर में कुछ आलस्य भी होता है और उसी आलस्य होने के कारण कई बार सुअवसर को भी आप खो बैठते हैं। यदि अश्लेषा नक्षत्र वाला पुरुष कामुक होगा तो वह सदैव अपयश को ही प्राप्त करेगा। अश्लेषा नक्षत्र वाले जातक के अंदर बहुत ही बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल होता है और ऐसे जातक धारा प्रवाह बोलने वाले और बोलने में दूसरों को बोलकर मोहित करने में ऐसे जातक माहिर होते हैं और ऐसे जातक अनेक भाषाओं को भी जानने वाले होते हैं। अश्लेषा नक्षत्र वाले पुरुष बहुत ही एडजस्टिंग नेचर के होते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी माहौल में बहुत जल्दी ढल जाते हैं, अर्थात कि ऐसे जातक परिवर्तनशील होते हैं। स्त्रियों के स्वभाव समझने से पहले मैं आपको यह बतला दूं कि यहाँ पर जो भी फलादेश किया जा रहा है यह सिर्फ आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर है। चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन इमोशन फीलिंग का कारक ग्रह माना गया है और चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वो आपका जन्म नक्षत्र होता है, इसीलिए आपके स्वभाव का ज़्यादातर पार्ट आपके नक्षत्र से आधारित होता है। इसमें और भी कई डीप चीज़ों को देखा जाता है, जैसे आपका जन्म नक्षत्र का पद क्या है, साथ ही आपके जन्मकालीन योग, जन्मकालीन करण, यह दो चीज़ बहुत ही आवश्यक है। योग और करण, योग करण के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसे भी आप अवश्य चेकआउट करें। तो योग करण को देखना अति आवश्यक है, साथ ही जिस प्रकार का फल आपके जन्म नक्षत्र से बन रहा है क्या उसी प्रकार के योग आपके जन्म कुंडली में भी विद्यमान है। यदि विद्यमान है तो वह फलादेश आपको 110% प्राप्त होगा, लेकिन अगर उस फलादेश से बिल्कुल विपरीत योग बना हुआ है आपकी कुंडली में तो फिर वह फल फलित नहीं होगा। जो आपके जन्म कुंडली में योग है वह सर्वप्रथम फलित होता है। तो यह एक बेसिक फल है नक्षत्रों के स्वभाव के ऊपर। आइए जानते हैं यदि आप अश्लेषा नक्षत्र की स्त्री हैं तो आपके किस प्रकार के स्वभाव होंगे। आप एक चंचल स्वभाव की स्त्री होंगी तथा आपके अंदर एक कठोरता भी रहेगा, अर्थात कि आप कठोर स्वभाव वाली भी रहेंगी। ऐसी स्त्रियां फैशन परस्त होती हैं एवं कई बार ऐसी स्त्रियों के अंदर एहसान फरामोश की आदत होती है, वादा निभाती नहीं है, आलस्य और कामुकता के कारण हानि और अपयश पाती हैं, जिद्द के कारण कलह कर बैठती हैं। अक्सर ऐसी जातिका जिद्दी स्वभाव की होती हैं और उस कारण अपने घर परिवार में उनके कलह उत्पन्न होते हैं। आपको बहुत ही शीघ्र क्रोध आ जाता है, साथ ही आप किसी से भी वाद विवाद करने लग जाती हैं और यही कारण है कि आप मानसिक शांति भंग होती है आपको, जिस कारण मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। यदि अश्लेषा नक्षत्र की स्त्रियां कुसंगति और स्वार्थ रखती हैं तो अपयश और अवनति को प्राप्त होती है। मैं फिर से बतलाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी फलादेश बतलाए जा रहे हैं यह सभी आपके नक्षत्र के स्वभाव के ऊपर डिपेंडेंट है और यहाँ पर जो भी फलादेश कहा जा रहा है यह कमोवेश आपके जीवन में अवश्य ही देखने को मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में उसी योग को फुलफिल करते हुए कोई योग है तो उसका फलादेश प्रचंड रूप से, बड़े रूप से आपको देखने को मिलेगा, अन्यथा वह कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से आपके जीवन में अवश्य आप उसे देख सकती हैं। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।